बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां डेंजर जोन में हैं कांग्रेस के 30 विधायक। 96 में से 30 विधायकों की रिपोर्ट बेहद खराब आई है। कांग्रेस विधायकों का AICC ने सर्वे करवाया था और AICC के सर्वे रिपोर्ट में विधायकों की स्थिति का खुलासा हुआ है। MP कांग्रेस को विधायकों की रिपोर्ट दी गई है, विधायकों को अपनी स्थिति ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। आलाकमान की तरफ से विधायकों को सख्त निर्देश मिले हैं। 30 विधायक जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है और AICC ने इसका सर्वे करवाया था, जिसके तहत 30 ऐसे विधायक जिनका जमीन पर रिकॉर्ड ठीक नहीं है और इसीलिए आलाकमान की तरफ से विधायकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए कहा गया। विवेक जुड़े हुए हमारे साथ इस खबर पर, हम उनसे और भी जानकारी ले लेंगे। विवेक, 30 विधायक कांग्रेस के जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं मिला है और AICC ने खुद ने ये सर्वे करवाया था। अब ऐसे में एक तो कांग्रेस में पहले ही बहुत सारे उम्मीदवार हैं और जो सिटिंग MLAs हैं उनको अगर उनका ही रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है तो अब ये खबर जाहिर है कि जनता के लिए भी और BJP के लिए भी एक संदेश है कि जहां उनके विधायक काम नहीं कर रहे हैं उस मुद्दे को BJP भी उठाएगी और जनता के बीच भी अच्छा संदेश नहीं है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आते आ रहे हैं दोनों ही दलों में इंटरनल सर्वे का दौर शुरू हो गया है और पिछले दिनों जब कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता दिल्ली में थे और ये बताया कि 90 से 30 विधायकों की जनता के बीच तकरीर नहीं होने में सबसे ज्यादा नाराजगी है और इसी बात का माइलेज BJP को मिल सकता है और ये साफ तौर पर ये कहा है कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है उन्हें फिलहाल टिकट के दायरे से दूर रखा जाएगा और ये खासतौर पर उन विधायकों को ये निर्देश दिए गए हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब है और उनके पास इस बात की जानकारी भी दे दी गई है कि अगर चुनाव से पहले अगर जनता के बीच में वो सक्रिय नहीं रहते हैं तो ऐसे में उनके टिकट कट जाएंगे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। ये बड़ी खबर है AICC के हवाले जी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को इस बात की जानकारी दी थी कि 30 विधायक जो कि मालवा और निमार क्षेत्र से आते हैं उनके परफॉर्मेंस काफी खराब है और खासतौर पे आदिवासी इलाकों में से सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस खराब होने की बात AICC की तरफ से कही गई है और लिहाजा इस बात को लेकर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस बात की कवायद जरूर शुरू हो गई है कि आखिर उन कौन से विधायक है जिनको पार्टी 2023 के टिकट नहीं देना चाहती है और इसका सीधा जो कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि इंटरनल सर्वे में क्षेत्र में सामाजिक मुद्दों को लेकर विधायक सक्रिय नहीं रहते हैं, इसके अलावा जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर सरकार से फाइट नहीं करते हैं। ये तमाम विषय हैं जिनके चलते लोगों के बीच नाराजगी बढ़ी है और यही वजह है कि उनकी सक्रियता कम होने के चलते अब उनके टिकट पर भी संकट आकड़ा हुआ है। बिल्कुल, अब ऐसे में देखना ये होगा कि अब जो ये 30 सिटिंग MLAs हैं इनका धरातल पर जाकर किस तरह से ये अपना काम करते हैं या जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, क्योंकि अब वक्त कम है और अब और वक्त कम के साथ इनके पास काम और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब इन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड सुधारना है और ऐसे में जब जनता के बीच जाइए तो जनता यही पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो नेताजी से जब पूछा जाएगा तो वो क्या जवाब देंगे ये भी देखना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए।